हेलो दोस्तों, एक बार फिर से डीकेपी रिपेयर में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं जियो 220 का जो इनसेट सिम है उसका फुल जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो को आप देख लिए तो शायद आपको दूसरा वीडियो देखना ना पड़े और अगली बार आप चुटकी में मतलब सॉल्व कर लीजिएगा इस प्रॉब्लम को जियो इनसेट सिम का। तो वीडियो फुल देखिए दोस्तों। देखिए इसमें EMI नंबर भी है, मतलब उसका कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बगल का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसको खोल लेता हूँ दोस्तों। कहाँ से आपको प्रॉब्लम है ये पूरा जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपको फुल डिटेल जानकारी मिलेगा। मतलब इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो शायद आपको कोई दूसरा वीडियो आपको देखना ना पड़े। मैंने इसमें फुल जानकारी आपको दी है, मतलब सिम इंसर्ट सिम का कहाँ से दिक्कत होता है, IC से या मतलब कहाँ से, मतलब पूरा जानकारी दी है। तो कहाँ से आपको जम्फर भी करना है फुल डिटेल दिए हैं आपको। इसमें टावर मतलब दिखाए, मतलब सिम इंसर्ट सिम है तो उसको टावर भी दिखाएंगे आपको। चलिए सिम को मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि सिम ओके है दोस्तों, सिम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू सिम है दोस्तों। चलिए मैं इसको पहले साफ़ कर लेता हूँ कि वाटर डैमेज भी है इसका, कहाँ से मिस है ट्रेस, मतलब पूरा ट्रेस करेंगे दोस्तों। आपको जम्फर का पिक्चर भी साइड में दिखा देंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को देख लीजिएगा तो बोले ना आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फुल जानकारी इसमें दिए हैं दोस्तों। अब कोई भी जानकारी छूटता है तो और कमेंट करिएगा दोस्तों, तो मैं आपको दूसरा वीडियो भी बना कर दे दूँगा इसके। देखिए मैं थोड़ा उठा लेता हूँ, उसके बाद फिर से एक बार सिम डाल के चेक करूँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सेट में ऐसा होता है कि साफ़ करने से भी मतलब जो इंसर्ट सिम का है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मैं एक बार ट्राई उसमें भी करूँगा दोस्तों, मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। डायरेक्ट आपको सिम जो चेक सिम चेक रहता है जो सिम सॉकेट उसको नहीं चेंज कर देना है दोस्तों, नहीं तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा चेंज करके। आपका टाइम भी लॉस होगा और काम भी नहीं होगा दोस्तों। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, क्योंकि सिम जो जैक रहता है दोस्तों वो ख़राब नहीं होता है मतलब। चलिए खोलने दीजिए दोस्तों, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने, क्योंकि GMail भी खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। जहाँ भी ज़रा देरी होगा तो मैं थोड़ा फास्ट कर दूँगा दोस्तों, ताकि आपको वीडियो देखने में ज़्यादा बोरिंग नहीं लगे। देखिए दोस्तों, सेम कंडीशन है, मतलब सॉल्व नहीं हुआ, साफ करने से सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों। चलिए अब हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे, इसको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में सेट करके इसका रीडिंग लेंगे, वोल्टेज मतलब कहाँ पर आ रहा है क्या नहीं। देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट आना चाहिए दोस्तों, लेकिन मतलब आ नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब इसी में है, इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ आना चाहिए 1.8 वोल्ट। तो चलिए कहाँ से इसका मिसिंग है दोस्तों, पूरा वीडियो बने रहिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो में आपको डायरेक्ट दिखा देता है जम्फर, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है दोस्तों। डायरेक्ट जम्फर से सब सेट में नहीं होता है, किसी किसी सेट में मतलब हो जाता है, बहुत सेट में हो जाता है, लेकिन कोई सेट में जम्फर मतलब यहाँ से एक रजिस्टर रहता है उसको शॉर्ट करने से भी हो जाता है, लेकिन बहुत सेट में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है आपको बता दें कि यहाँ पर रजिस्टर इसमें भी नहीं आ रहा है दोस्तों, काला जैसा छोटी सी रहता है, आपको दिखा देंगे। मैं अभी ट्रेस कर रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं सेट को सामने से आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काला जैसा है ये वाला भी कभी कभी वाटर डैमेज से डैमेज हो जाता है तो भी मतलब इंसर्ट सिम बताता है, लेकिन इसमें दोनों मतलब इधर से भी नहीं आ रहा है वोल्टेज और इधर से भी नहीं आ रहा है, मतलब दोनों सेट से नहीं आ रहा है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ दूसरा प्रॉब्लम है। चलिए हम और एक जगह है, देखिए इसका कनेक्शन यहाँ पर आता है दोस्तों, आपको बगल में हम पिक्चर भी लगा देंगे थोड़ा देर में, तो आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कनेक्शन आएगा, रीडिंग आएगा दोस्तों 1.8 वोल्ट, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो आपका YC भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। चलिए मैं इसको बजर मोड में करके उसके बाद रीडिंग लेता हूँ यहाँ से, यहाँ तक बीप आवाज़ दे रहा है क्या नहीं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, बीप आवाज़ नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आके चला जाता है, मतलब इसमें देना चाहिए, पूरा बीप देना चाहिए, मतलब कहीं यहाँ से देखिए इस तरह जाएगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ से मतलब यहाँ आना चाहिए। आपको दूसरा बोर्ड में हम दिखाते हैं दोस्तों, देखिए दूसरा बोर्ड है, देखिए यहाँ से मैं नापता हूँ, मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए बीप आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों बीप आ रहा है, यानी इसका कनेक्शन ठीक है यहाँ से, लेकिन इस सेट में नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन कटा हुआ है। लगता है जो आपका ब्लूटूथ आईसी रहता है ना वहाँ पर, तो शायद ख़राब होगा दोस्तों। फिर से आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए इस तरह आएगा इस कैपेसिटर से यहाँ पर, यदि वहाँ पर आ रहा है आईसी के सामने जो कैपेसिटर वहाँ पर आ रहा है दोस्तों, तो आप वहाँ से भी जम्पर कीजिएगा तो आपका नेटवर्क आ जाएगा दोस्तों। बाई चांस वहाँ से नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है उसका भी सलूशन है दोस्तों। पहले इस रजिस्टर सबको हटा दीजिए, मतलब रिमूव कर दीजिए, मतलब इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, अभी इसको हटाने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक जम्पर लेना है दोस्तों, और यहाँ पर देना है, क्योंकि यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट आता है दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे, जो जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, आपको पूरा देखिए वीडियो को आप समझ में, और यहाँ पर भी आता है 1.8 वोल्ट दोस्तों। तो आप यहाँ से भी जम्पर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ भी जम्पर कर सकते हैं दोस्तों, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो चलो हम दिखाते हैं आपको जम्पर करके, देखिए दोस्तों इस तरह, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट रख के आप पिक्चर को ले सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको वोल्ट भी दिखा देता हूँ दोस्तों, कहाँ कहाँ 1.8 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि सिम को एक्टिव करने के लिए 1.8 वोल्ट चाहिए दोस्तों, वो नहीं मिल रहा है इसलिए उसमें इंसर्ट सिम बता रहा है। या देखिए यहाँ पर मिल रहा है कैपेसिटर के पास, और यहाँ पर भी मिलेगा दोस्तों, सेम वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो आईसी है वो ख़राब है आपका, वो अथी वाला क्या बोलते हैं ब्लूटूथ वाला जैसी, वहाँ से भी भेजता है। चलिए इसको जम्पर करके आपको दिखाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैंने थोड़ा फास्ट कर दिए, दिखाता हूँ जम्पर कैसे किए हैं आपको, बगल में पिक्चर भी दिखा देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से लिए, आप आईसी पावर आईसी भी वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, आप मैंने यहाँ से लिए, यहाँ से जम्पर दिए, आप यहाँ से भी यहाँ ले सकते हैं दोस्तों, आप कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह लिए, आप वहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बैटरी लगा के चेक करा देता हूँ कि इसमें नेटवर्क आया या इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम्स अभी भी है। चलिए दोस्तों तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, और कोई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिल सके, और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरी है दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं पूरा पूरा आप लोग को सहयोग करूँगा। और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों, वहाँ भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए टावर आ गया दोस्तों, एक लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को अच्छी लगे तो। देखिए दोस्तों वोल्टी भी आ गया, मतलब पूरा ओके हो गया दोस्तों, बस ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कॉल करके भी कि फेक चार्ज मतलब नहीं है, देखिए आवाज़ आया, फेक मतलब नेटवर्क नहीं है, ओके है, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए आपको समझा देता हूँ फिर से एक बार, देखिए जम्पर कहाँ से करना है, बगल में आप देख सकते हैं, आप दोनों से कहीं भी जम्पर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी, चाहे यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।